हेलो एवरीवन, क्लास थ्री सेमेस्टर टू चैप्टर नंबर थ्री पेज नंबर 29। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द डॉग एट माय होमवर्क। ये स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, आंसर इज क्वेश्चन ब्रीफली। वन नंबर, Why was Tony happy when he woke up? One number, why was Tony happy when he woke up? जब टोनी उठा तो वह खुश क्यों था? खुश क्यों था? क्योंकि उस दिन संडे था और उस दिन स्कूल नहीं जाना था, है ना? आंसर क्या होगा? Because it was a Sunday and there was no school, क्योंकि यह रविवार था और उस दिन स्कूल नहीं जाना था, है ना? दो नंबर, हाउ वॉज द वेदर दैट मॉर्निंग? डियर स्टूडेंट्स, उस दिन का वेदर कैसा था, मौसम कैसा था? आंसर, इट वॉज प्लेजेंट। प्लेजेंट यानी सुखद, यानी उस दिन का मौसम बहुत अच्छा था खेलने के लिए, है ना? संडे भी था, स्कूल नहीं जाना था और मौसम भी बहुत अच्छा था। इट वॉज प्लेजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, व्हेन डिड टोनी हैव हिज ब्रेकफास्ट? टोनी ने अपना नाश्ता कब किया? नहाने के बाद, है ना? आंसर क्या होगा? आफ्टर हैविंग ए बाथ, नहाने के बाद उसने ब्रेकफास्ट किया। फोर्थ नंबर, व्हाट डिड टोनी वांट टू डू इन द पार्क? डियर स्टूडेंट्स, पार्क में टोनी क्या करना चाहता था? क्या करना? खेलना, है ना, उनके दोस्तों के साथ खेलना। आंसर क्या होगा? टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता था, है ना? फिफ्थ नंबर, व्हाट डिड टोनी वांट टू ईट हिज फेवरेट बर्गर? डियर स्टूडेंट्स, उसका फेवरेट बर्गर कहाँ मिलता है? आंसर क्या होगा? एट मैकडोनल्ड्स, है ना? उसका जो फेवरेट बर्गर कहाँ मिलता है? मैकडोनल्ड्स में, है ना? मैकडोनल्ड्स में बहुत अच्छा बर्गर मिलता है, है ना? नेक्स्ट नंबर, सिक्स नंबर, व्हाई वाज टोनी ऑन रिस्ट्रिक्शन? उसे बाहर जाने के लिए क्यों मना था? Because he had been telling lies at school, है ना? वह होमवर्क नहीं करता था और स्कूल में झूठ बोलता था, है ना? बहुत सारे झूठ बोलता था। कभी कहता था कि मेरा घर में कुत्ता है, उसने मेरा होमवर्क खा गया। कभी कहता है मैं बीमार था। कभी कहता है कि ड्रेन में मेरा होमवर्क बह गया, है ना? Yes or no? Yes. आंसर क्या होगा? Because he had been telling lies at school, क्योंकि स्कूल में वह झूठ बोल रहा था, है ना? सेवन नंबर, व्हाट लाई डिड टोनी टेल ऑन ट्यूसडे? ट्यूसडे को उसने क्या झूठ बोला? दैट हिज पेट डॉग एट ऑफ ऑल हिज होमवर्क। दैट हिज पेट डॉग एट ऑफ ऑल हिज होमवर्क। ट्यूसडे दिन उसने क्या झूठ बोला? कि मेरे घर में एक छोटा सा कुत्ता है, वह बहुत नोटी है, उसने मेरा होमवर्क खा गया, है ना? एट नंबर, What lie did he tell on Thursday? थर्सडे दिन उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि मैंने किचन में शेल्फ में मैंने मेरा होमवर्क रखा था। जब मॉम प्लेट्स वॉश कर रही थी तब गिर गया और वह ड्रेन में बह गया, है ना? That his homework went down the kitchen drain. उसका होमवर्क कहाँ का चला गया? किचन ड्रेन में बह गया। नाइन नंबर, व्हाट वाज हिज लाई ऑन फ्राइडे? फ्राइडे दिन उसने क्या झूठ बोला था? दैट ही वाज वेरी सिक द प्रीवियस नाइट। पिछले रात वह बहुत बीमार था, ये बोला था ना, है ना? बहुत बीमार था, डॉक्टर ने कहा था कि मुझे रेस्ट करना चाहिए, होमवर्क नहीं करना चाहिए, और मैंने रेस्ट किया, होमवर्क नहीं किया, ये कहा था ना? यस। आंसर क्या होगा?
दैट ही वॉज वेरी सिक प्रीवियस नाइट। 10 नंबर, वाई डिड द टीचर कॉल टोनीज मदर ऑन फोन? डियर स्टूडेंट्स, टीचर ने टोनी की माँ को फोन पर क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? क्योंकि रोज झूठ बोल रहा था, है ना? उसको पता चल गया कि रोज वह बहाना करता था, है ना? आंसर क्या होगा? बिकॉज शी न्यू टोनी वॉज टेलिंग लाइज, है ना? टीचर को पता चल गया था कि टोनी झूठ बोल रहा था, है ना? कभी कहता था कि मेरा घर में एक छोटा सा कुत्ता है, उसने खा गया मेरा होमवर्क। कभी कहता है कि ड्रेन में बह गया। कभी कहता है कि मैं बीमार था, है ना? डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, होमवर्क करने के लिए नहीं है, है ना? ऐसे झूठ बोल रहा था। ये सारी चीज़ें टीचर को पता चल गया था। यस और नो? यस, बिकॉज शी न्यू टोनी वॉज टेलिंग लाइज। नेक्स्ट नंबर, 11 नंबर, वाई हैड टोनी टू हैंग हिज हेड इन शेम? शर्म के मारे टोनी ने अपना सिर क्यों झुका लिया? क्यों? क्योंकि वह झूठ बोल रहा था। बिकॉज ही हैड बीन टेलिंग लाइज, वह झूठ बोल रहा था, इसलिए वह अपना सिर नीचे झुका दिया, है ना? 12 नंबर, वॉट मेड टोनी डैड वेरी एंग्री? टोनी की डैड ने किस बात पर बहुत गुस्सा किया? किस बात पर? आंसर क्या होगा? टोनीज हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज एट स्कूल, है ना? स्कूल में झूठ बोलने की टोनी का आदत था, है ना? स्कूल में झूठ बोलता था, इसीलिए टोनी की पापा को बहुत गुस्सा आया। ये सुनो, यस, व्हाट मेड टोनी डैड वेरी एंग्री? आंसर क्या होगा? टोनीज हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज एट स्कूल, स्कूल में झूठ बोलना टोनी का आदत था, इसीलिए टोनी की पापा को बहुत गुस्सा आया। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, आंसर में देखिए, जो कैपिटल में है उसे कैपिटल में ही लिखना है। ये आंसर आपको आपके इंग्लिश नोटबुक में ही लिखना है। जितने भी आंसर आपको लिखने के लिए कहा गया है वो आपके इंग्लिश नोटबुक में ही लिखना है, बुक में नहीं लिखना है। कर्सिव हैंडराइटिंग से लिखना है। ओके, और जो कैपिटल में है उसे कैपिटल में ही लिखना है। क्लियर? यहाँ पर देखिए, पुट दिस सेंटेंसेस इन राइट ऑर्डर। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी है और आपको राइट ऑर्डर में लिखना है। ओके, मैंने नंबरिंग कर दिया है, आपको अरेंज कर लिखना है। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। जो कैपिटल में उसे कैपिटल लेटर से ही लिखना है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है और अरेंज करना है। ओके, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है। क्लियर? वर्ड पावर, चूज फ्रॉम द बॉक्स द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ईच मीनिंग। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मीनिंग दिया गया है और उनका वर्ड नीचे बॉक्स दिया गया है, उनसे वहाँ से आपको चुनना है। 1 नंबर, ए प्रॉब्लम, ट्रबल। 2 नंबर, द रीज़न फॉर डूइंग समथिंग, एक्सप्लेनेशन। 3 नंबर, द स्कूल वर्क यू डू एट होम, स्कूल में दिए जाने वाले काम को क्या कहते हैं? होमवर्क कहते हैं। दैट इज़ लाइक मोर देन द अदर्स, उसे क्या कहते हैं? फेवरेट, पसंदीदा। ए पाइप दैट कैरीज अवे डर्टी वाटर, जिस पाइप में गंदा पानी जाता है उसे क्या कहा जाता है? ड्रेन, है ना? ड्रेन में गंदा पानी जाता है। यस, फीलिंग ऑफ सैडनेस ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग। ये स्टूडेंट्स, कुछ भी आप गलत करते हो फिर अपने सिर झुका देते हो, है ना? कुछ गलत करने के बाद आप सिर झुका देते हो, उसे क्या कहते हैं? शेम। ए फ्लैट बोर्ड फिक्स्ड ऑन द वॉल फॉर कीपिंग थिंग्स, शेल्फ, समथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम डूइंग समथिंग, रिस्ट्रिक्शन। ओके,